करना कुछ नहीं। मिनट। हाँ टाइमिंग बंद करना सुराना सर। यस यस सर। सर, ठीक है, क्लास चालू कर लीजिए। अच्छा सर, अभी कोई भी नहीं पार्टिसिपेंट। हेलो सर, 11 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, है क्या? ठीक 11 स्टूडेंट्स हैं सर, कर लीजिए। है सर, ठीक है। हाँ ओके। तो पार्टिसिपेंट तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। स्टूडेंट्स, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछले किसी लेक्चर में आपको डाउट है? फाइन। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। हमने पिछले लेक्चर में फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म किया था। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड काइनेमैटिक्स। सो लेट स्टार्ट विथ फ्लूइड काइनेमैटिक्स। देखिए, फ्लूइड काइनेमैटिक्स समझने से पहले हमें रिजिड बॉडी का काइनेमैटिक्स समझना। बिफोर नाउ, व्हाट इज रिजिड बॉडी काइनेमैटिक्स या रिजिड बॉडी मोशन समझते हैं। देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर एक बॉडी है, इस पे एक लाइन दिख रहा होगा। तो जब इस लाइन का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, इस लाइन का ओरिएंटेशन जब चेंज नहीं होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में भी दो वेरिएशन हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, या ये वाला। दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और इसमें जो पॉइंट्स है वो कर्व में मूव कर रहे हैं, बट दोनों में ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है। तो दोनों ट्रांसलेशन के ही केसेस होते हैं। तो ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मोशन रिजिड बॉडी अंडरगोस। एंड द सेकेंड वन वुड बी रोटेशन। ट्रांसलेशन में कैसे ध्यान रखना है आपको? ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है सिंपली कि ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन विल नॉट चेंज। और रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब ये होता है ओरिएंटेशन विल चेंज।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक तो मोशन ये हो गया, इसे हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। और एक मोशन ये, इसे हम कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन। Now, यहां पर रोटेशन है, तो रोटेशन में क्या होगा आपका? व्हाट इज अ आई मीन रोटेशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप? जैसे ये पहले मैं दूसरे एग्जांपल से लगा, ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे लगा देता हूं और इसको रोटेट करता हूं, ये रोटेशन है। तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है लाइन का, ये बॉडी है, इस पे ये लाइन है, यहां पे ये हिंज्ड है पिन पे, ये इसे हम इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। और आप देखें सारे पॉइंट्स जो होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे यहां पर होता है, यहां जैसे यहां पर नहीं होता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट को ट्रेस करोगे तो सर्कल तो ये भी बना रहा है, अज्यूम इट इज अ सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल तो बना नहीं डुप्लीकेट है, बट अगर आप यहां देखोगे तो ये भी सर्कल बन रहा है बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है। तो हॉलमार्क ऑफ रोटेशन विल बी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसे यहां पर हो। पैरेलल प्लेन्स में भी ऐसे ही तो ये दो टाइप के मोशन रिजिड बॉडी एग्जीक्यूट करती है। अब मैंने आपको बताया था हायरार्की की, सबसे पहले आती है रिजिड बॉडी, फिर आती है आपकी सॉलिड, मतलब सॉलिड बॉडी भी रिजिड ही होती है, बट सॉलिड बॉडी में एक और मोशन आ सकता है आपका, वो डिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है? तो वो मोशन नहीं हुआ बेसिकली, इट्स अ डिफॉर्मेशन। फ्लूइड्स के साथ क्या होता है? फ्लूइड्स कैन हैव ट्रांसलेशन, फ्लूइड्स कैन हैव रोटेशन, एंड फ्लूइड्स कैन हैव डिफॉर्मेशन, इनफैक्ट कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था फ्लूइड्स आर दोस बॉडीज विच कंटिन्यूअसली डिफॉर्म, तो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन दो टाइप का होता है, ट्रांसलेशन रोटेशन तो आप समझ ही गए फ्लूइड एलिमेंट, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन दो टाइप का। फर्स्ट वन इज की एलिमेंट है आपका फ्लूइड का, और विद द टाइम अगर आप देखो तो धीरे धीरे इसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ इंक्रीज हो रही है और एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इसे हम लीनियर डिफॉर्मेशन यहां पर अगर आप देखोगे तो एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पहले 90 डिग्री था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो एंगल्स जब चेंज होते हैं, जो एंगल पहले 90 डिग्री थे वो 90 डिग्री ना रहे, कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, विल कॉल इट एज कंटिन्यूस। एंगुलर डिफॉर्मेशन तो यही सब पढ़ना है, ये इन्हीं इन्हीं मोशंस को पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, रोटेशन पढ़ना है, लीनियर डिफॉर्मेशन पढ़ना है और कंटिन्यूस एंगुलर डिफॉर्मेशन। दिस इज द डोमेन ऑफ फ्लूइड काइनेटिक्स। तो बेसिकली मोशन की स्टडी करनी है विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। तो काइनेमैटिक्स होता क्या है इन जनरल? काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन या ज्योमेट्री ऑफ मोशन। बाय अब्स्ट्रैक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉज। कॉज क्या होता है मोशन का? फोर्स। तो हम सिर्फ इफेक्ट की स्टडी करेंगे बिना कॉज को इन्वॉल्व किए। तो इन दिस चैप्टर वी वोंट बी इन्वॉल्विंग एनी फोर्सेस, राइट? ठीक सर। तो ये तो हो गया काइनेमैटिक्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब बात करते हैं कुछ अप्रोचेस की जो यूज की जाती है फ्लूइड काइनेमैटिक्स में मेनी टाइम्स, एंड हम वही अप्रोच यूज करेंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस बेसिकली यूज। One is Lagrangian approach. And second one is Eulerian approach. Now what is the difference between the two? बहुत सारे examples से समझते हैं, but पहले definitions बता दो। यहां पर आप क्या करते हो? Lagrangian approach में you follow, retrace पार्टिकल, हम एक पार्टिकल को ट्रेस करते, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई एक्सिस है एंड वी हैव अ पार्टिकल वो, तो इसे हम ट्रेस कर रहे हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट इज ऑलेरियन अप्रोच। यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम एक फिक्स्ड लोकेशन पर हमारा फोकस रखते हैं। मान लीजिए ये फिक्स, ये एक्स वाई एक्सिस है, और ये मेरा आर नॉट। लेट अस डिनोटेड बाय आर नॉट ओनली, बात में प्रॉब्लम होगी। काम करते हैं, इसे आर नॉट बोल देते हैं, और ये कोई भी जनरल आर वेक्टर हो गया पोजीशन, और इसे हम आर नॉट नहीं आर वेक्टर। मैं समझाता हूं इसको, अभी तो मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं फिर समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है,
तो मैं पूरा अटेंशन अपना यहीं पे रख रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। तो अब हो सकता है जो पार्टिकल यहां से पास होगा, लेट से ये एक पार्टिकल है फ्लूइड के अंदर, तो ये मूव कर रहा है और यहां से पास हो, तो मैं इधर ध्यान दूंगा, मुझे पार्टिकल के ऊपर ध्यान नहीं है। अब चाहे ये वाला पार्टिकल हो, ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है तो ये यहां से पास हो गया, तो लाइक दिस। इसका मैं इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन सिंपल लेवल समझाता हूँ आपको। पहली बात तो बस इतना ध्यान रखिए कि यहां पर हम एक लोकेशन के ऊपर अपना टारगेट फिक्स करते हैं और उस लोकेशन पे जो चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, जरा समझना है। हाँ, बट अगर इस ये सर क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है समझना, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा एरोप्लेन है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये एरोप्लेन और ये विंड टनल है फॉर एग्जाम्पल, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, यहां तो आप जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब यहां तो एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए, ये वाला पार्टिकल, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं या ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं, और ये जहां जहां जा रहा है, ये पार्टिकल जहां जहां जा रहा है, मान लीजिए ये टेल पर गया, जो भी हुआ, मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं, इससे कोई इंफॉर्मेशन मिल पाएगी मुझे, बजाय इसके कि मैं काम करूं, मैं मेरा सारा अटेंशन यहां पे दूं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। जैसे मुझे विंग का एनालिसिस करना है ये वाले इनका, तो मैं क्या करूंगा, यहां बैठ जाऊंगा और इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अपना फोकस करूंगा। तो विच वन सेंस सीम्स टू बी मोर प्रैक्टिकल फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू? डेफिनेटली कि हम एक लोकेशन पे अपनी कंसंट्रेशन फिक्स करें और उसकी स्टडी करें। जैसे मुझे नोज की स्टडी करनी है, मान लीजिए, तो मैं नोज पे अपनी अपना अटेंशन फोकस करूंगा और जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं नोज पे वो आइडेंटिफाई करूंगा। कैसे, मैं नोज पे, मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस नोज पे कर दिया मान, अब यहां पर मैं वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करूंगा विंड टनल के अंदर और चेक करूंगा कि यहां पर क्या वेरिएशन हो रहे हैं नोज पर। मुझे क्या करना कि यहाँ ये वाला एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, ये कहां से आया और कहां जा रहा है, मुझे तो बस ये मतलब है कि जब पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी रादर देन मैं इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रैक करूँ। तो ये अप्रोच होती है हमारी पहले अप्रोच। नेक्स्ट इज एक और इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट, मेजरमेंट भी जब आप करते हो तब भी आप यही अप्रोच यूज करते हो, कैसे? मान लीजिए कि ये एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, लेट से भर गया, और आपने यहां पर मेजरमेंट के लिए प्रेशर गेज लगा दो या टेम्परेचर मेजरमेंट करा, जो भी आपको चाहिए। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी सिंपली दैट कि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की प्रेशर मेजर कर रहा हूं, मैं इस पार्टिकल का प्रेशर मेजर नहीं कर रहा, मतलब ये पार्टिकल है मान लो, तो मैंने ऐसा नहीं कि गेज इसके साथ अटैच कर दिया ताकि जाना जा रहा है मुझे इसका प्रेशर पता चल रहा है, नहीं, ये लैग्रांजियन अप्रोच हो जाएगी। मैंने क्या किया, मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैंने फिक्स कर दिया, अब जो भी पार्टिकल आएगा ये बेसिकली इस लोकेशन का प्रेशर होगा, तो ये लोकेशन का प्रेशर होगा और जो भी पार्टिकल पास होगा वो चूंकि उस लोकेशन पर है तो इसलिए ये उस लोकेशन का भी प्रेशर होगा, ये उस पार्टिकल का भी प्रेशर होगा। तो ये चीज ध्यान रखें आप कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो ये भी एक ऑयलरियन अप्रोच है। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फोकस कर रहे हो, आपको नहीं फर्क पड़ता वहां से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल, तो आप सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे फॉलो कर रहे हो अपने आप,
मान लीजिए कोई पुलिसमैन है और ये ट्रैफिक सिग्नल, अब यहाँ पे हजारों गाड़ियां आती है हजारों गाड़ियां जाती है, हम कोई गाड़ियों को फॉलो नहीं करते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी गाड़ी आ रही है। व्हाट वी डू इज वी कॉन्सेंट्रेट, अगर हम पुलिस मैन हैं तो हम इस सिग्नल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मान लीजिए हम कैमरा लगाकर बैठे हैं हमारे रूम में, तो 10 सिग्नल्स है, मैं 10ों के सिग्नल्स के ऊपर, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी गाड़ी आ रही है। आई वोंट मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, रादर आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। चलिए तो ये होती है ऑयल लैंग्वेज। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है वेलोसिटी। तो ऑयलेरियन अप्रोच यूज करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक टर्मिनोलॉजी कोई डाउट है अगर आपको इसमें तो पूछ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है तो वी हैव सबसे पहले वेलोसिटी, फिर व्हाट इज द वेलोसिटी फील्ड वेक्टर, तो फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, सबसे पहले तो वेक्टर फील्ड समझ। वेक्टर फील्ड इज रीजन इन स्पेस, जैसे आपकी फील्ड नहीं होती ग्राउंड, वैसे ये भी फील्ड है, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, जैसे फुटबॉल ग्राउंड जहां पर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो वेक्टर फील्ड जहां पर ऐसा रीजन जहां पर वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो रीजन इन स्पेस वेक्टर्स कैन बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नदी है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर, फिर अब रिवर में वाटर फ्लो होता है, मास होता है वाटर फ्लो, तो जब रिवर में वाटर फ्लो होगा तो हर एक पॉइंट पे वाटर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ मान लीजिए ये वेलोसिटी है, यहाँ मान लीजिए ये वेलोसिटी है, हर एक लोकेशन पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर फील्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वेलोसिटी उस लोकेशन की है कि वेलोसिटी उस पार्टिकल की है जो यहां पर, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर जो है, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको इस तरीके से कि आप सब जानते हैं कि लेट से ये रिवर का बैंक है, बैंक ऑफ रिवर, अब यहां पर वेलोसिटी कुछ और होगी बैंक के क्योंकि, और यहां पर सेंटर पे कुछ वेलोसिटी और होगी। मान लीजिए यहां पर एक स्टोन रखा हुआ है,
तो परमानेंटली रखा हुआ है स्टोन रिवर का, तो यहां पर आप देखोगे कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, हम एक वेलोसिटी फील्ड वेक्टर डिफाइन करते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसे हम यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू पी कैप, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं बताता, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ ऑल लोकेशंस इन अ। कैसे मैं बताता हूं, तो देखिए यू जो होगा वो फंक्शन होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का और टाइम पर, वी जो होगा वो भी फंक्शन होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी का। मैं समझाता हूँ, ये कुछ और फंक्शन होगा एफ जी, और डब्ल्यू जो होगा वो भी फंक्शन होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा। अब ये यू वी डब्ल्यू क्या है, देखो यू जो है वो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वी जो है वो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, और डब्ल्यू जो है वो वेलोसिटी है जेड डायरेक्शन में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं ना टू डी में आपको समझ, सो ये तो इन जनरल हो गया, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशन वेक्टर फील्ड, टू डायमेंशन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर ही है तो टू डायमेंशन वेलोसिटी फील्ड, मतलब v वेक्टर इज इक्वल टू u i कैप प्लस v j कैप, समझ में सिंपल होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल हो गया लेट्स से a x या 3x i कैप माइनस माइनस थ्री वाई अभी के लिए सर, यहाँ एक काम करिए थ्री एक्स, दो मिनट दीजिए आप, मैं इक्वेशन बना के लिखता हूँ आपके लिए, तो जमा देखिए, तो ये है आपका यू और ये है आपकी वी, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे इस फील्ड में तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी देखिए ये एक्स है ये वाई, समझिएगा इस चीज को, ये एक्स है और ये वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और चूंकि इसके साथ नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये यू हो गया आपका और ये वी हो गया, तो पार्टिकल का आपकी इस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे वेलोसिटी क्या होगी, ये यहां देखोगे आप तो क्या होगा, यहां देखोगे तो एक्स नेगेटिव है तो ये वेलोसिटी इधर आ जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव डालूंगा पॉजिटिव के अंदर तो नेगेटिव हो जाएगा, और वाई आपका नेगेटिव है तो ये इधर, तो ये आपकी वेलोसिटी, यहां देखेंगे तो एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी इधर, और वाई नेगेटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव डालूंगा तो पॉजिटिव, तो यहां वेलोसिटी है। अब मैं जैसे जैसे एक्स और वाई डालता जाऊंगा, इसके अंदर x डालूंगा, इसके अंदर y डालूंगा, तो मुझे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी मिलती चाहिए, एवरी पॉइंट आई कैन गेट वेलोसिटी, मुझे करना क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली लोकेशन की वेलोसिटी चाहिए, मुझे पता करना है कि इस लोकेशन पे वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के x कोऑर्डिनेट डाल दूंगा, यहाँ के y कोऑर्डिनेट डाल, बस u और v आ जाएगा, तो इस लोकेशन की वेलोसिटी, तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी फील्ड वेक्टर है, ये पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी नहीं बता रहा है, ये सारे पॉइंट्स की जितनी भी लोकेशंस हैं उन सब की वेलोसिटी एक साथ मुझे बता रहा है, मुझे करना क्या होगा, मुझे इसके अंदर एक्स और वाई इनपुट देना। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यहाँ पे सिर्फ 3x लिखा है, बट इन जनरल में अगर आप बताओ
तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है और वाई जेड के ऊपर भी डिपेंडेंट, मतलब ये कि मतलब ये सिंपल सा अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें तो किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं तो वो इसकी एक्स लोकेशन पे भी डिपेंडेंट होगी, वो इसकी वाई लोकेशन पे भी डिपेंडेंट होगी, वो इसकी जेड लोकेशन पे। तो मैं यहां पर एक्स के अंदर, ये तो थ्री एक्स है सिर्फ, बट इन जनरल समझिए कोई फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट करूंगा वहां पर, और वो एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्स डायरेक्शन की प्रॉफिट। सिमिलरली मैं वी के फॉर्मूले के अंदर, वी के फॉर्मूले के अंदर यही एक्स वाई जेड और टाइम डाल दूंगा, यहां पर भी आप टाइम डाल सकते हो, यहां पर भी आप टाइम डाल सकते हो, और वापस से मैं डब्ल्यू के अंदर भी एक्स वाई जेड और टाइम डाल, तो मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन की वेलोसिटी मिल जाए। ये सब तो ठीक है सर, इस पर्टिकुलर लोकेशन की आपको वेलोसिटी मिल गई, मानी आपकी बात। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो मुझे मान लीजिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लोकेशन की वेलोसिटी निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, यहां पर एक्स वाई जेड और टाइम डाल दूंगा, तो मुझे इस लोकेशन की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब चूंकि पार्टिकल भी उस टाइम पर उस लोकेशन पर मौजूद है तो वो उस पार्टिकल की भी वेलोसिटी, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अ लोकेशन यूजिंग वेलोसिटी फील्ड वेक्टर। And we calculate velocity of a location using velocity field factor, and for calculation of, and since particle is present over there, it is also velocity of, तो पार्टिकल की भी वेलोसिटी बन जाए, है ना। बट बेसिकली हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट नहीं करते हैं यहां पर, हम वेलोसिटी ऑफ अ लोकेशन कैलकुलेट, दिस इज द कांसेप्ट। तो ये होता है वेलोसिटी फील्ड वेक्टर। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछता है कि ये वेलोसिटी फील्ड फैक्टर क्या है, तो आपको ये जवाब देना है कि सर ये एक पर्टिकुलर लोकेशन की वेलोसिटीज देता चला जाएगा, मतलब मैं अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो अलग अलग टाइम पर मैं अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स फीड करता चला जाऊंगा तो मुझे अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोकेशंस की वेलोसिटी मिलती चली जाएगी। और अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है तो मैं पहले ये देखूंगा कि पार्टिकल है कहां पर, उस लोकेशन की वेलोसिटी निकालूंगा, क्योंकि वो उस लोकेशन की वेलोसिटी वो पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि लोकेशन की वेलोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि उसका सीधा सा रीजन यह है कि ये एक फील्ड है, यहां पर अलग अलग चीजें होंगी, यहाँ पर जैसे नदी का किनारा है, यहाँ पर पत्थर है, बीच में मान लीजिए कुछ और ऐसा बड़ा सा और कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, लेट से टेम्पल आ जाता है, ठीक है, तो फ्लो यहाँ पर डाइवर्ट होगा ना उस कारण से। तो ये जो डाइवर्जन हुआ है फ्लो के अंदर, ये क्यों हुआ, ये लेट से टेम्पल के कारण हुआ है, स्टोन के कारण हुआ है, लाइक दिस। तो ये लोकेशन मतलब ये नदी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नदी के अंदर क्या क्या, नदी के कॉन्फिग्रेशन क्या, ये वही बताता है कि ये नदी की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा कि भाई यहाँ पर कैसी कैसी वेलोसिटीज अलग अलग लोकेशन पर होगी। तो सबसे पहले हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में यही डिफाइन करना होता है। और मान के चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा आगे का सब्जेक्ट है, हमें वी नीड टू लर्न टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वी वेक्टर इक्वल टू,
मतलब हमको इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ इस सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है इसके अंदर इनफाइनाइट, इसके अंदर कहूं तो मैं इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, बस वो इंफॉर्मेशन हमें निकालना आना चाहिए। तो यही हमारा मकसद रहेगा इस चैप्टर में कि हम कैसे वो इंफॉर्मेशन को भर। तो वही सब चीजें हम डिराइव करेंगे अभी, तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले। अब फ्लो को विजुअलाइज कैसे किया जाए, सेकेंड पॉइंट वुड बी फ्लो विजुअलाइजेशन। सर फ्लो को विजुअलाइज करने के अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस लगाओ तो दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा अभी तक इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है कभी तो भाई? फ्लो विजुअलाइजेशन क्या है? फ्लो विजुअलाइज अगर हमें करना है तो हमारे पास दो रास्ते, एक टेक्निक होती है एक्सपेरिमेंटल, एक टेक्निक होती है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल टेक्निक का मतलब ये हुआ कि हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप कर ली और वो मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हम उन कर्व्स को प्लॉट कर रहे हैं जो इक्वेशंस में आई है, और वो कर्व रिप्रेजेंट करेंगे कि फ्लो कैसा है। और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्या हुआ कि बेसिकली विल यूज सम लेट्स से डाई, हम डाई इंजेक्ट कर देंगे फ्लूइड के अंदर, तो जैसे ही मैं डाई इंजेक्ट करूंगा व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स विल गेट इल्यूमिनेटेड, एंड वंस द पार्टिकल्स गेट इल्यूमिनेटेड दे विल कैरी दैट टैग ऑफ इल्यूमिनेशन विद देम वेयर एवर दे विल गो, सो आई कैन ट्रेस देम। तो एक ट्रेसिंग तो ये हो गई बाय इंजेक्टिंग अ डाई, तो दिस इज यूजुअली डन बाय इंजेक्टिंग डाई, इंजेक्टिंग डाई एंड इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स। एंड सेकेंड मेथड कुड बी डेवलपिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं, तो पहले मैथमेटिकल देखते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। सो फर्स्ट वन वुड बी मैथमेटिकल अप्रोच। सो एंड दिस मैथमेटिकल अप्रोच इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन। सो व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, डेफिनेशन इन द सेंस मतलब कि इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टेंजेंट ड्रॉन टू स्ट्रीम लाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी वेक्टर।
एक काउंसिल बताना, एक चीज और पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बता। जस्ट गिव, इसको नीचे शिफ्ट। हाँ, इसको स्टार्ट करते हैं वहां पर से, फ्लोर जो है। पर पहले कुछ और बेसिक एक दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं ताकि इसमें आसानी हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्लो विजुअलाइजेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, बट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो? यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टी इक्वल टू, पहले मान लीजिए 0 सेकंड पे देगा तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ऑल ऑफ इट। फिर मैंने क्या करा, मैंने टी इक्वल टू मैंने टी इक्वल टू लेट्स से 2 सेकंड्स पे देखा, तो मुझे पता चला कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अब 6 मीटर पर। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहा, हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि देखो चीजें बदलती है स्पेस और टाइम से। ये स्पेस और ये टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है तो फिक्स्ड टाइम एंड वेरी, इसे वेरी करोगे आप एंड वेरी कोऑर्डिनेट्स एंड वेरी मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम को फ्रीज कर दो और हर एक लोकेशन पे चेक करो जाकर। और चेक करो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या सेम है, आपको दिखेगा चेंज नहीं हो रही इस केस। ये फिक्स लोकेशन फिक्स टाइम पर अलग अलग लोकेशंस पे आप वेलोसिटी चेक करो, दैट फिक्स टाइम ऑब्जर्व वेरिएशन इन वेलोसिटी एट डिफरेंट इफ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इसे कहेंगे, वी विल कॉल इट एज यूनिफॉर्म। अदरवाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट, जैसे यहां पर देखा फिक्स टाइम कर दिया, फिक्स टाइम मतलब फिक्स बोल लीजिए या फ्रीज बोल लीजिए जो टर्म आपको अच्छा लगे, एट इंस्टेंट बोल लीजिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप देखिए कि अलग अलग पॉइंट पर ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट हर पॉइंट की वेलोसिटी से, तो इसे मैं यूनिफॉर्म फ्लो कहूंगा। दिस एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां देखिए मैंने टाइम चेंज कर दिया, ओके टाइम चेंज कर, अब इस पर्टिकुलर टाइम पर ये टाइम फिक्स हो चुका है टी इक्वल टू 2 सेकंड, इस पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स टाइम पर मैं हर एक पॉइंट में अगर अपनी वेलोसिटी चेक करूंगा तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम ऑब्जर्विंग दैट वेलोसिटी इज सेम एवरीवेयर, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म।
बट इसी जगह क्या होता, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे या कोई कोई भी टाइम पे टी इक्वल टू टी पे देखता हूँ और मुझे ये पार्टिकल ऐसा दिखता है और ये पार्टिकल, यहीं से मैं जज कर जाऊंगा कि इस पॉइंट इस पर्टिकुलर टाइम पर लेट से टी इक्वल टू 6 सेकेंड पर इस लोकेशन की वेलोसिटी और इस लोकेशन की वेलोसिटी अलग अलग है, तो ये फॉर्म ये फ्लो नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन से ही बता सकते हो ना, डायरेक्शन अलग हो गई मतलब वेलोसिटी अलग अलग हो गई, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ हैज टू बी सैटिस्फाइड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। एंड थर्ड वन वुड बी स्टेडी एंड अनस्टेडी, स्टडी अनस्टडी फ्लो को हम कैसे देखेंगे? देखिए यहां पर जस्ट उल्टा है, फिक्स लोकेशन पर एंड वेरी टाइम, मतलब जैसे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैंने इस लोकेशन को फिक्स कर दिया, अब मैं टाइम वेरी कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए टी इक्वल टू 0 है अब मैं इसे टी इक्वल टू 1, 2, 3 अलग अलग टाइम पे लिख रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, ये लोकेशन फिक्स कर, तो मैं चेक करूंगा यहां पर कि टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी मान लीजिए यहां पर 2 मीटर, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं कहूंगा कि फ्लो स्टडी। इसका एक दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता था, इसका एग्जांपल ये हो सकता था कि मान लीजिए चलता जाए, मान लीजिए कि उसी लोकेशन पर मैंने किसी और, ये और फील्ड है, ये फील्ड वन है मान लीजिए, और ये फील्ड टू, तो यहां पे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है सर, फिर 1, 2, 3, 4, 5 2 पे देखा मान लीजिए या 1 पे ही देखा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये अनस्टेडी है क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, चलो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है तो पर्टिकुलर लोकेशन पर आप स्पीड वेलोसिटी वेरी करिए, और अगर आपको सॉरी एक पर्टिकुलर सॉरी आई रिपीट अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लोकेशंस पर जाकर वेलोसिटी चेक करें, और अगर आपको स्टेडीनेस और अनस्टेडीनेस चेक करनी है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अलग अलग एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अलग अलग टाइम पर आप चेक करें कि उस लोकेशन पर वेलोसिटी सेम है या चेंज। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी, और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्टडी अनस्टडी, मतलब स्टडी भी हो सकता है फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टडी और यूनिफॉर्म एक साथ होगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लो था, लेट्स से अब यहां क्या हो रहा है देखिए, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग लोकेशंस पे कांस्टेंट, आई रिपीट एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लोकेशंस पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मिटी है,
यहां पर भी देखिए टू इक्वल टू टू सेकेंड्स पर मैं टाइम फ्रीज किया और अलग अलग लोकेशन पर जब जाकर चेक किया तो मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट, बट टाइम के साथ लोकेशन पर चेंज हो गई, यहां पर पहले दो थी अब छह, तो ये अनस्टेडी और यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अब मैं फ्लो विजुअलाइजेशन की बात कर रहा था आपसे, तो अब और अच्छे से मैं इसके बारे में बात करूं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमें फ्लो का विजुअलाइज करना है, तो देर आर टू टेक्निक्स, वन इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड अनदर इज मैथमेटिकल टेक्निक। पहले हम मैथमेटिकल अप्रोच से स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसे हम मैथमेटिक्स को यूज करके फ्लो को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट की द कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टेंजेंट ड्रॉन टू स्ट्रीम लाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझ, मतलब पहली बात तो ये कि स्ट्रीम लाइन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइन, जैसे कि लेट्स से ये इंस्टेंट, तो ये t इक्वल टू आपको बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रीम लाइन है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रीम लाइन तो ये किस इंस्टेंट पर है, तो ये लेट्स से t इक्वल टू कोई टाइम t डैश पर, लेट्स से 2 सेकंड पर, ये स्ट्रीम लाइन t इक्वल टू 2 सेकंड। ऐसी इनफाइनाइट लाइंस होगी, मैं तो सिर्फ एक या दो बना रहा हूं। अच्छा सर ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर, मैं एक ही दिखा रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगी। तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टेंजेंट ड्रॉन टू स्ट्रीम लाइन, ये टेंजेंट ड्रॉन किया मैंने स्ट्रीम लाइन, रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन का वेलोसिटी वेक्टर। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है पूरा, ये हमने डिफाइन किया है कि हमें एक ऐसा कर्व चाहिए जिस पर मैं टेंजेंट बनाऊं तो मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन की वेलोसिटी। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय अस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डेवलप अ मैथमेटिकल इक्वेशन। हाउ वी कैन डेवलप अ मैथमेटिकल इक्वेशन, लेट अस सी, देखते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहां पर एक और पॉइंट, और लेट्स से दिस इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस अगर मैं डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो करूंगा, मतलब क्या होगा धीरे धीरे, मतलब ये होगा कि ये पॉइंट जो है ये यहां शिफ्ट होता चला गया, ये मतलब हुआ डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो करने का। तो व्हाट आई विल गेट इज एन इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं कह दूंगा कि ए और बी, मैं ये कह सकता हूं कि बी इज नेक्स्ट पोजीशन ऑफ, करेक्ट ना, अगर डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो है तो जो पार्टिकल है ए पर वो पार्टिकल की अगली पोजीशन क्या होगी, बी, क्योंकि व्हाट इज डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। नाउ इफ योर चेंज इन पोजीशन इज टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो मतलब ये हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब आप देखो, आप लेट से यहां खड़े हो और आपकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो आपकी अगली पोजीशन भी इसी डायरेक्शन में, मतलब आपकी जो चेंज होगी वो भी इसी डायरेक्शन में, आप अपना कदम भी इसी तरफ आगे बढ़ाओ क्योंकि आपकी वेलोसिटी इसी तरफ। तो यहां पर बात सिंपल सी है कि जो वी वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा डी आर वेक्टर, क्यों, ऑब्वियसली योर नेक्स्ट पोजिशन, मैं यहां पर लिखूंगा योर नेक्स्ट पोजिशन
आपकी जो अगली पोजीशन होगी, आप अगर वॉक कर रहे हो तो आपकी अगली पोजीशन जो होगी, योर नेक्स्ट पोजीशन विल डिपेंड अपॉन या विल बी अलाइंड विथ वेलोसिटी। आपकी जो अगली पोजीशन होगी वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ ही अलाइन होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये है हमारा एक सिंपल सा लॉजिक और इसे यूज करके हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होता है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो। तो v वेक्टर मैंने डिफाइन किया u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, एंड dr वेक्टर जो होता है वो होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dw j dz। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये है i j k dx dy dz u v w, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मतलब ये जीरो। तो आप इसे सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। We get a dx by dy by is zero vector. Like so this is known as the equation of thing. This is what we call as equation. एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई, तो इससे हम स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? चलिए, और कैसे फ्लो को विजुलाइज कर सकते हैं दोनों चीजों से। सबसे पहले तो थोड़ा मैथ कर लेते हैं। ये है u, ये है v, तो हमारे पास है dx बाय u, dy बाय v है आपका ए वाई। सबसे पहले तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉन x माइनस लॉन y प्लस सम कांस्टेंट आता है। इधर आके लॉन एक्स प्लस लॉन वाई इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट, लॉन एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट्स से दिस कॉन्स्टेंट इज सी वन, और एंटी लॉग लेते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू लेट्स से सम कॉन्स्टेंट सी टू। ये इक्वेशन, चलिए तो इसे प्लॉट करते हैं। x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसी इक्वेशन होती है? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर x की वैल्यू बहुत कम है, x की वैल्यू कम मतलब यहां पर x की वैल्यू कम, x की वैल्यू कम सॉरी x की वैल्यू कम मतलब यहां पर x कोऑर्डिनेट है, ये वाला है। x की वैल्यू कम मतलब ये ला, तो x की वैल्यू कम मतलब y बहुत ज्यादा, और y की वैल्यू कम मतलब x बहुत हाइपरबोला। ठीक है, यहां पर ये कब ऐसा बन जाएगा,
फिर इतने सारे कर्व्स तो बनेंगे, अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यूज होगी तो अलग अलग कर्व बनते चलेंगे। यहां पर लेट से एक्स वाई इक्वल टू 16 है बॉय, तो ये 2 और 8, 2.8 पॉइंट हो गया। मान लीजिए 2.8 एक पॉइंट है, 2.8 एक पॉइंट होगा, तो ये एक्स वाई इक्वल टू, अगर ये 2.8 है मान लीजिए, तो ये वाला कर्व की इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू 16। यहाँ पर हर पॉइंट पर एक्स वाई इक्वल टू 16। अब यहां पर हमें ये पता करना है कि फ्लो कैसा हो रहा है। देखिए फ्लो कैसे पता करेगा करेंगे आप लोग, मैं बताऊंगा। हमें पता है कि जो हमारी u है वो ax है और v है वो माइनस ए वाई। ये चीज हम अभी देखे भी थे कि अगर मैं यहां पर u प्लॉट करूं तो u ऐसी होगी, और v प्लॉट करूं तो v y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगी मेरी टेंजेंट। तो दिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज अ वेलोसिटी वेक्टर जो आ रहा है। देखो यहां पर भी देखोगे तो वेलोसिटी कर्व नीचे की तरफ ही आएगा, तो बेसिकली मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं कि यहां पर जो फ्लो है वो इस तरीके से हो, ये फ्लो। तो नाउ वी कैन विजुलाइज। तो मैंने पहले मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करी, फिर उसकी मदद से मैं फ्लो को विजुलाइज कर कि भाई जो फ्लो होने वाला है इसमें वो ऐसा होगा। अब इधर भी देख लो, यहां पर x पॉजिटिव है, सॉरी यहां पर x नेगेटिव है, तो नेगेटिव x इधर होगा क्योंकि x पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव डाल, इसमें नेगेटिव डालोगे तो ये नेगेटिव होगा। और y जो है वो पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बट यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ फ्लो की डायरेक्शन है, कहीं और देख लेते हैं किसी और पॉइंट पर। यहां देख लीजिए, यहां पर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव डालूंगा जब तो u नेगेटिव आ जाएगा मेरा, और y नेगेटिव डालूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ऐसा लगता है। तो यहां फ्लो की डायरेक्शन ये टेंजेंट बना, तो ये आपका यहां पर लो ऐसे जा रहा है। सिमिलरली यहां अगर देखेंगे हम तो x इज पॉजिटिव बैक अगेन, तो ये पॉजिटिव में बनेगा आपका, और y इज नेगेटिव, और यहां पर भी y नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब y, ये तो कैसा है फ्लो आपका? बिना कोई डाई इंजेक्ट किए मैंने फ्लो को विजुलाइज किया है यहां पर एट अ इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, दिस इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। बट यहां पर एक अच्छी बात यह है कि आप देखो यू और वी जो है ये टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहे, तो आप कोई ये यहां पर अगर मैं वेलोसिटी निकालनी है मुझे तो किसी भी लोकेशन को आप फिक्स कर दो, लेट से आपने ये लोकेशन को फिक्स कर दिया, अब यहाँ पर आप वेलोसिटी निकालनी है इसकी, तो आप इसके सिर्फ 2.8 डाल दो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि तो u क्या है ax है, तो यहाँ पे सिर्फ 2.8 डालने पर भी आपका काम हो जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम के इंडिपेंडेंट है। दिस इज अ केस एग्जांपल ऑफ स्टेडी फ्लो। क्या यूनिफॉर्म फ्लो है ये? नॉन यूनिफॉर्म। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो है और नॉन। तो देखिए आपने धीरे धीरे
इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना सीख चुके हो आप। मैंने बताया था इसके अंदर इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो ये दो इंफॉर्मेशन निकल गई हमारे पास कि ये स्टडी है नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज फ्लो यूजिंग स्ट्रीमलाइंस। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट और देखते हैं स्ट्रीमलाइंस के बारे में कि टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ऐसे देखिए, ये एक स्ट्रीम है, मान लेते हैं ये एक और स्ट्रीम है। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे से तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी तो इधर है, ब्लू वाले की वेलोसिटी ब्लू सी बना देता हूं, और ये ब्लैक वाले, मतलब एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती है, एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। एक पॉइंट अ पॉइंट कैन नॉट हैव टू वेलोसिटी एट अ टाइम, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट, एट अ इंस्टेंट ऑफ, मतलब दो अलग अलग टाइम पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बट एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। आई मीन टू से दैट रिपीट, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर पॉइंट की दो अलग अलग वेलोसिटी, कॉमन सेंस, दो अलग अलग टाइम पे देखोगे तो हो सकता है यहाँ पर फ्लो चेंज हो जाए, कुछ भी चेंजेस क्रिएट हो जाए, तो इस पॉइंट की दो अलग अलग, अ पॉइंट कैन हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट टू डिफरेंट टाइम्स, एट टू डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो अलग अलग समय पर अलग अलग वेलोसिटी, मतलब स्टेडी अनस्टेडी फ्लो के लिए, और स्टडी में तो एक पॉइंट की दो वेलोसिटीज होगी, ना अलग अलग टाइम पर, ना अलग अलग लोकेशन, नहीं ना अलग अलग लोकेशन ही, सॉरी, ना अलग अलग, एक पॉइंट पर दो अलग अलग लोकेशन। अ पॉइंट कैन हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज ओनली, a point can have two different velocities at two different time intervals, at two different times when the flow is unsteady, or in general ek point ki two velocities kabhi bhi nahi ho sakti ek hi instant par, that's a concept. Now the next one will be the experimental approach, and we'll be calling it as a streak lens. First, I write the definition of it. Locus of all particles which at some earlier instant of time passed through this अब ये तो सर डेफिनेशन तो समझ में आता नहीं क्या है, चलिए इसको हम समझना प्रैक्टिकल। देखते हैं
So what we'll be doing is पहले तो मैं पढ़ देता हूँ location of all the points which at some alien state of time pass through this point. अब देखते हैं. Let's say we have a flow. या लेट से फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए चलो हाँ पहले ये एग्जाम्पल से समझो फिर वो सही है. पहले तो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो फिर मैं आपको. मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है, यहां पर मैं डाई इंजेक्ट कर रहा हूं. तो ये जो पॉइंट पी है ना ये पॉइंट ऑफ डाई इंजेक्शन. तो अब वो क्या एट दिस पॉइंट ऑफ डाई इंजेक्शन आई एम कंटिन्यूसली इंजेक्टिंग डाई. Continuously injecting time. So what will happen? Whichever particles will pass through this point will get eliminated. Okay. Thymol blue is usually used. So मैं काम करता हूँ सिर्फ black से बनाता हूँ फिर blue inject. अब सारे particles तो illuminate होंगे नहीं, जो इस particular location से pass हो रहे हैं वही सारे particles illuminate हो गए. तो let's say for example एक particle यहाँ से pass हुआ, just start करा ये entry, ये particle उसी time पे वहीं पे था तो वो illuminate हो गया. अब देखते हैं ये 5 सेकंड बाद कहां पहुंच गया. ये तो अपने हिसाब से घूम रहा होगा फॉर एग्जांपल ये घूमते घूमते दिस इज एट 5 सेकंड यहां पर. तो ये 0 to 5 सेकंड ने इसने पाथ ट्रैवल कर, तो ये पार्टिकल का पाथ हो गया. तो इसे हम पाथ लाइन कहते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पाथ. पाथ लाइन क्या होती है? पाथ लाइन इज लोकस ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लूइड पार्टिकल. I'll repeat once more that यहां पर एक पार्टिकल पास हुआ, बस t इक्वल टू जीरो पे पास हुआ और इस उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी की लोकेशन नहीं थी. तो पार्टिकल ने इधर इधर की तरफ मुड़ गया क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी पार्टिकल उधर ही जाए. फिर ये 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. अब ये पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल की अलग अलग लोकेशन. नेक्स्ट. अब ये तो 0 से 5 सेकंड की कहानी हुई. अब यार अगले ही क्षण मतलब जैसे ये पास हुआ वैसे दूसरा पार्टिकल भी आया होगा, वो भी पास हुआ होगा तो वो अपने हिसाब से घूमा. बोल मान लो वो 5 सेकंड पर यहां पर है, फिर एक और आया होगा वो यहां पहुंचा होगा, फिर एक और आया होगा वो यहां पहुंचा होगा, एक और आया होगा वो यहां पहुंचा होगा. तो जितने भी पार्टिकल्स निकले यहां से 0 to 5 सेकंड के बीच में वो सब इल्यूमिनेट हो गए और ये सब उनकी पाथ लाइन. पाथ लाइन मतलब ये जहां भी जाएंगे आप अपना पाथ बनाते हुए जाएंगे. तो अभी करंट पोजीशन क्या है सबकी? 5th सेकंड पे. ये वाला यहां पर है, ये वाला यहां पर है, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला. तो इन सबको ज्वाइन कर दोगे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच एट सम अर्लियर इंस्टेंट ऑफ टाइम पासेस थ्रू दिस फिक्स्ड पॉइंट. तो ये उन पॉइंट का लोकस है. और ये पॉइंट तो आएगा क्योंकि यहां पर भी कुछ ना कुछ हो. तो ये उन पॉइंट्स का लोकस है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पास हुए थे डाई ऑफ इंजेक्शन से और वो अब किसी ना किसी पोजीशन पर आ चुके हैं. उन सब का उसको यूजुअली इसका यूज क्या होता है सबसे? अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो ये तो पहले ये पाथ लाइन होगी सबकी, पाथ लाइन 1, पाथ लाइन 2 एंड सो ऑन. ये एग्जांपल है देते हैं. मान लीजिए मैंने ये यहां पर डाई इंजेक्ट कर, 2.8 पर डाई इंजेक्ट कर. अब जो पार्टिकल यहां पे था अब उसको देखते हैं वो कैसे मूव करेगा. वो इस तरह से पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो करेगा क्योंकि बात ये है ध्यान रखिएगा कि ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम तो है बट विल नॉट चेंज विद टाइम, बट विल नॉट चेंज विद टाइम क्योंकि ये फ्लो स्टडी है बट विल नॉट चेंज.
क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये जो पार्टिकल है आपका, ये यहां पर था और ये यही पाथ फॉलो करेगा, तो ये इसकी पाथ लाइन भी बन गई और ये इसकी स्ट्रीम लाइन भी। अब क्या होगा? अब ये होगा, ये मान लीजिए 5 सेकंड पर यहां पहुंच गया। अब दूसरा पार्टिकल जो एंट्री लेगा वो भी यही जाएगा, उसको भी यही यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तो पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? वेलोसिटी वेक्टर के साथ ही वेलोसिटी फैक्टर को ही तो सल्यूट करेगा वो, जो वेलोसिटी वेक्टर बोलेगा वहां पार्टिकल जाएगा। अब वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो ये पार्टिकल भी वही पाथ फॉलो करेगा पीछे पीछे। अब ये मान लो पीछे थोड़ा यहां रहेगा, फिर नया पार्टिकल आया वो यहीं तक पहुंचा वो यहां रहेगा, और कोई पार्टिकल आया वो यहाँ हो जाएगा, और कोई पार्टिकल आया वो पाथ भी फॉलो करेगा। तो सबकी पाथ लाइन, सबकी स्ट्रीक लाइन, तो सबकी ये स्ट्रीक लाइन बन जाएगी लोकल जोन पर। तो पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस आर सेम। आर सेम फॉर स्टडी, स्टडी फ्लोज में तीनों आइडेंटिकल हो। तो जब आप डाई इंजेक्ट करते हो स्टडी फ्लो में, तो कहने को तो आप स्ट्रीक लाइन प्लॉट कर रहे हो, बट अगर वो फ्लो स्टडी है तो वही स्ट्रीम लाइन भी होगी जिसकी इक्वेशन आपको पता है। और अगर आपको उसका पाथ पता है, मतलब तो आपको अगर स्ट्रीक लाइन पता है, आप वहां से उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करके वेलोसिटी फील्ड वेक्टर निकाल सकते हो। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू अप्रोच, कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंटली भी मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज कर सकते। एक बात और पाथ लाइन के बारे में बोलूंगा, ये पाथ लाइन है। पाथ लाइन क्या है? ये लोकस, ये लेग्रांजियन अप्रोच है, लेग्रांजियन। मतलब यहां पर आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल को इल्यूमिनेट कर दिए और वो जहां जहां जा रहा है आप उसको देख रहे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पाथ लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट हो सके, मतलब अपने आप को इंटरसेक्ट कर सके, ये पॉसिबल है। मतलब ये कि ये तभी पॉसिबल है कि इस पॉइंट की दो वेलोसिटी हो, मतलब अनस्टेडी स्टेट में पॉसिबल है। पाथ लाइन अपने आप को भी और दो पाथ लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को इंटरसेक्ट कर सकता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लॉट होगी। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका पार्टिकल जीरो से, लेट से ये 8 सेकंड पे यहाँ आया, और ये पार्टिकल यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ था, और ये वाला पार्टिकल, ये वाली जो लाइन थी ये 6 सेकंड पे थी, और ये वाला जो था ये मान लो 4 सेकंड पे। तो दोनों अलग अलग टाइम पर यहाँ पर थे। तो अलग अलग टाइम पर एक लोकेशन पर अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती है, हम देख चुके हैं। तो ये दोनों अनस्टेडी स्टेट में पॉसिबिलिटी है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। That is what I believe that we, I hope most of the students you are not there only, because ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डाउट नहीं। आई नो दैट, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर फ्यूचर, दैट्स व्हाट आई डू। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई डोंट माइंड, बट व्हाट आई केयर इज कि एटलीस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स इट वुड बी हेल्पफुल। दोज वुड बी इंटरेस्टेड कैन एनी टाइम सी दिस लेक्चर्स, वुड बी वेरी बेनिफिशियल। एनीवेज, वो प्रोजेक्टर इज देयर। नो हाउ, नो मैम दे आर नॉट सेम, हाउ दे कैन बी सेम? या इन अ स्टडी कंडीशन, करेक्ट करेक्ट, दे आर सेम इन स्टडी कंडीशन। देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये, आपको डाउट है यू आर जस्ट कंफर्मिंग कि ऐसा होगा, क्योंकि इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन आई कैन एक्सप्लेन यू दिस अगेन, कि इन अ स्टडी स्टेट दिस लाइंस वोंट चेंज, राइट? ये लाइंस चेंज नहीं होंगी स्टडी स्टेट,
सो व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास स्ट्रीम लाइंस है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही अपलोड करते हो, बट विद द टाइम इफ दे आर नॉट चेंजिंग, मतलब ये कांस्टेंट हो चुकी है। अब पार्टिकल क्या करेगा, इसी लाइन को तो फॉलो करेगा। पार्टिकल वेलोस, पार्टिकल छोड़ दिया मैंने यहां पर, तो वो अब उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, जो वेलोसिटी वेक्टर अलाइन, तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो पार्टिकल को यही पाथ फॉलो करना है। तो इसलिए पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम हो जाए स्टडी कंडीशन। और अगर आप देखोगे यहां पर डाई इंजेक्ट करके, तो ये पार्टिकल इल्यूमिनेट हुआ, ये यहां पहुंच गया, फिर पार्टिकल निकला वो यहां पहुंच गया, फिर पार्टिकल निकला वो यहां पहुंच गया, अलग अलग पार्टिकल्स की यही लोकेशन होगी। तो इनको ज्वाइन करोगे लोकस का तो ये स्ट्रीक लाइन भी मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, आप बस ये देखें कि स्टडी स्टेट है यानी, और हम इंजीनियरिंग में तो स्टडी स्टेट्स ही पढ़ते हैं, तो आपके लिए तो यही होगा। और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये इतना कि तीनों के लिए कौन सी लेन, बहुत सारी एग्जाम्पल पूछते हैं। सो नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर फर्दर। ये तो हमारे केसेस थे, डिफरेंट केसेस क्या मैं से डिफरेंट मैकेनिज्म्स का विजुलाइज करने का फ्लो। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एक्सीलरेशन ऑफ फ्लो, एक्सीलरेशन ऑफ फ्लो, एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक, देन वी स्टार्ट दिस टॉपिक। विल बी बैक, आई विल बी बैक इन अ मिनट। All right, so let's proceed now. So we have acceleration of a fluid flow as a next topic. ठीक है, यूजुअली हमारा जब भी एक्सीलरेशन का
दिमाग में क्वेश्चन आता है तो वी से दैट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर सॉरी एक्सिलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दिस इज द फर्स्ट थॉट विच कम्स टू अवर माइंड. बट एक्चुअली में इसे लिखते टाइम एक चीज ध्यान होना चाहिए कि एक्सिलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल के लिए. और हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर है वो वेलोसिटी फील्ड वेक्टर है, दोनों में अंतर होता है. ये एक सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है ये सिर्फ एक पार्टिकल की वेलोसिटी बता रहा है, और ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है वेलोसिटी फील्ड, ये हर एक लोकेशन की वेलोसिटी. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू. फील्ड वेक्टर है वो पार्टिकल वेक्टर है, जो ऑयलेरियन अप्रोच है, लैग्रांजियन अप्रोच है. तो यहां पर एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करें? देखो कॉन्सेप्ट तो हम यही यूज करेंगे, बट बहुत स्मार्टली यूज करके हम वेलोसिटी फील्ड वेक्टर के लिए सेम टाइप. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. लेट्स स्टार्ट विद दैट. So let's say that कि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूं. लेट्स से दिस लोकेशन इज बीइंग डिनोटेड बाय आर. और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, लाइक दैट एट सम टाइम टी. और एक मैं दूसरी लोकेशन की बात कर रहा हूं. These are two different locations I am talking about right now. R plus delta R. What is delta R vector? Change in this position. तो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा? R plus delta R vector हो जाएगा. और ये लोकेशन हो जाएगी x plus delta x, y plus delta y, z plus delta z. और टाइम हो जाएगा आपका t plus. So I have identified two different locations. क्या मुझे इन दोनों locations की velocity पता है? हाँ, हमें इन दोनों locations की velocity पता है. कैसे पता है? क्योंकि मुझे इन दोनों locations के coordinates और time पता है. तो मैं जब coordinates और time यहाँ पे feed कर दूँगा velocity feed vector के अंदर, when I'll feed coordinates of time and space in this field vector, I'll get location, I'll get velocity at this location and at this location. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे? मिल तो जाएगी दोनों लोकेशन से वेलोसिटी, बट हाउ विल बी कैलकुलेट द एक्सीलरेशन? विल डू इट. लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. सो लेट्स कॉल दिस लोकेशन एज वन एंड दिस लोकेशन. So velocity at location one. अभी मैं एक काम करता हूं. velocity at location one हमें निकालनी है. velocity at location one क्या होगी? v vector equal v one vector equal to u one i cap plus v1 j cap plus w1, right? Or what is u1? u1 kya hoga? u1 v1 w1, we can define u1 hoga. How will we determine u1? u1 will be determined as u1 hame pata hai kya hai sir? u1 hame pata hai function hai x ka y ka, matlab in general agar main dekhu to u jo hai hamara wo function hai x का y का z का, मतलब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इस लोकेशन पर, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फॉर्मूले के अंदर जो भी फंक्शन है, लीनियर एल्जेब्रिक जो भी फंक्शन है, उसके अंदर मुझे यहां पर फीड करना होगा किसको? x1 y1 z1 t.
हैव टू फीड एक्स, ये वाला एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं इसको, एक्स वाई जेड, तो ये मुझे वन लोकेशन की यू वेलोसिटी। अब यू वन प्लस, अब सिमिलरली वेलोसिटी एट लोकेशन टू क्या हो जाएगी? मैं सिर्फ अभी एक ही वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो वो होगी सर वी टू यू टू आई कैप प्लस वी टू जे कैप प्लस डब्ल्यू, दिस विल बी यू टू। अब मैं एक्स वाई जेड की जगह क्या रखूंगा, एक्स प्लस डेल्टा, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा। और यू टू भी क्या होगा, अगर यू टू देखू मैं तो इट विल बी नथिंग बट सम चेंज इन, लेट्स से इट वाज यू, तो ये होगा यू प्लस डेल्टा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट इज दिस रिटन ओवर, ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट लोकेशन वन, और ये क्या है यू प्लस डेल्टा यू, यू प्लस डेल्टा यू इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी एट लोकेशन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लेट अस अज्यूम दैट टू थिंग्स, डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो। डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नियर बाय पॉइंट, मतलब नियर बाय क्या, अगले ही पॉइंट है। मतलब अगर मैं कहूं वन एंड टू, टू इज द नेक्स्ट पोजिशन ऑफ वन, टू इज द नेक्स्ट पोजिशन ऑफ, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इफ वी अज्यूम कि कुछ ना कुछ पार्टिकल तो होगा, अ पार्टिकल एट लोकेशन वन, कोई ना भाई पार्टिकल तो होगा, डेफिनेटली होगा, इफ वी अज्यूम अ पार्टिकल एट लोकेशन वन, लोकेशन वन पर अगर हम एक पार्टिकल अज्यूम करते हैं, देन इट्स वेलोसिटी, इट्स एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी क्या होगी उसकी, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, सर एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी वही होगी जो उस लोकेशन की वेलोसिटी, उस लोकेशन की वेलोसिटी क्या है यू एज अ मतलब ये फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा इसमें एक्स वाई जेड और टाइम डाल दीजिएगा, ठीक है सर। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्स वाई जेड। इन टाइम इंटरवल डी टी, डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो, बेसिकली डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो, तो इन नेक्स्ट टाइम मतलब जस्ट अगले ही क्षण, इन टाइम डी टी पार्टिकल नाउ इज एट लोकेशन नेक्स्ट पोजिशन पर, तो वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये समझाऊंगा मैं आपको, बट पहले अभी देखिए हम जो करना चाह रहे हैं, मतलब क्या किया हमने अभी तक, मैं आपको बता देता हूं। मैंने दो लोकेशन आइडेंटिफाई करी और उन दोनों लोकेशन से कोऑर्डिनेट्स टाइम और स्पेस के मुझे पता है। मैंने वो स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं वेलोसिटी फील्ड वेक्टर के अंदर डाल दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी उन पर्टिकुलर लोकेशन। अब लेट से पार्टिकल मेरा उस पर्टिकुलर वन लोकेशन पर था उसी टाइम टी पर, तो ये उसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर हम ये समझें कि ये डेल्टा आर जो है ये टेंडिंग टू जीरो है, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो ये टू जो होगा वो नेक्स्ट लोकेशन होगी वन की, मतलब पार्टिकल अब कहां जाने वाला है, टू पर जाने वाला है, तो मुझे पार्टिकल की दो वेलोसिटीज मिल गई, एक पॉइंट वन पर और एक उसी के अगले पॉइंट पर। अब मेरे पास पार्टिकल की वेलोसिटी है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर, मैं फील्ड वेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता था, मैं पार्टिकल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता, क्योंकि ये यहां पर जो फील्ड, यहां पर जो डिफरेंशिएट होगा वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी, ना कि वेलोसिटी ऑफ फील्ड। आई होप यू आर गेटिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई विल जस्ट ब्रीफ इट वंस मोर, कि पहले मेरे पास वन और टू लोकेशंस की वेलोसिटी, अब और फिर मैंने बोला कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये मेरे पास दो नेक्स्ट लोकेशंस की वेलोसिटी। अब दो नेक्स्ट लोकेशन की वेलोसिटी अगर है मेरे पास,
तो मैं अज्यूम करता हूं यहां पर अगर कोई पार्टिकल है टी तो अगले क्षण वो यहां पर होगा, एंड तो मेरे पास दो अलग अलग, क्योंकि दो अलग अलग लोकेशंस की वेलोसिटी है और इसी दो लोकेशंस पर उसी दो टाइम पर पार्टिकल भी यहीं पर है, तो ये दो अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो अब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जैसे मैं यू प्लस यू पी है ना, ये यू पी यू प्लस डेल्टा यू, जस्ट टू आइडेंट जस्ट टू सिंपल बाइफरकेटेड फॉर्म। और ये अब डी टी है तो ये डी होगा, ओके। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। तो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या, एक्सीलरेशन वुड बी रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब डी यू पी अपॉन डी, ये मैं लिख सकता हूं, ये एक्सीलरेशन वेक्टर है। एक्सीलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन अगर मुझे लिखना है तो वो इस तरह से। अब मैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे, हाउ कैन वी राइट दिस, सो वी नो दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम। तो जो भी चेंज होंगे वेलोसिटी, the change in the velocity can be written as some change in velocity due to change in x multiplied by dx, some change in velocity due to change in y multiplied by y, some change in velocity due to change in z multiplied by z, some change in velocity due to change in time, so this is how we can write a change। matlab kabhi bhi kya hota hai ki jaise maan lo isko main aapko aur kisi dusre tarike se samjhata hu, let's say for example हम लेट्स से एक डिश की बात करते हैं, लेट्स से एनी एनी डिश फॉर एग्जांपल व्हाट यू गाइस हैव इन महाराष्ट्र, लेट्स से वड़ा पाव। तो वड़ा पाव का टेस्ट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो जो आपकी ब्रेड है उस पर डिपेंड करेगा, जो वड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, वड़े के ऑयल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना फ्रेश है वो उस पर डिपेंड करेगा, लेट्स से तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी। सो एक तो द ब्रेड यू आर यूजिंग, द आलू यू आर यूजिंग एंड दी ऑयल यू आर यूजिंग, तो ब्रेड आलू एंड ऑयल, इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा आपका टेस्ट डिपेंड करेगा बड़ा पाव। तो अगर मैं ये लिखना चाहता हूं कि द टोटल टेस्ट ऑफ बड़ा पाव विल डिपेंड ऑन व्हाट, तो थोड़ा डिपेंड करेगा वो ब्रेड पे, थोड़ा डिपेंड करेगा वो ऑयल पे, और थोड़ा डिपेंड करेगा वो आलू पे। तो टोटल जो चेंज होता है, दिस इज टोटल चेंज, तो टोटल ऑफ एवरीथिंग इज सम ऑफ इंडिविजुअल चेंज। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, टोटल चेंज डी, ये टोटल चेंज हुआ ना, चेंज इन दिस डिलीवर्ड एलेक्टली डिलीवर्ड एलवर्डीवर डिलीवर्ड एलेक्ट, ओके थैंक यू। ये डी यू बाय डीपी आएगा, समझिएगा, ये डीटी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप ऐसे यूनिट्स ही मैच कर लो, डीएक्स डीएक्स कैंसिल होगा, तो ये चेंज जो हुआ, ये चेंज जो हुआ, ये एक्स के कारण चेंज हुआ है पार्टिकल की वेलोसिटी में, ये जो चेंज हुआ ये वाई के कारण हुआ है, ये जो चेंज हुआ है जेड के कारण हुआ है, ये जो चेंज हुआ ये टाइम के कारण हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, डी यू पी अपॉन डी टी फिजिकल्स, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, ये काट नहीं सकते, हाँ मैं तो बस बता रहा था, नॉट कट।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स चेंज इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंज इन पोजिशन चेंज अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई पी अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड पी अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन AX is equals to del u upon del x और dxp upon dt क्या हो जाएगा? Rate of change of position of particle is velocity of the particle, right? We'll get u horizontal velocity. So u del u upon del x. Del dy upon dp क्या हो जाएगा? V direction velocity of the particle. और del u upon del z तो del u upon del z ही रहेगा. Del z dz upon dp क्या हो जाएगा? This term, this is W, this is V, this is V. अब ये सब किसकी वेलोसिटीज हैं? U ये पहला पार्टिकल की है, ये भी पार्टिकल की है, ये भी पार्टिकल की है, और ये एक्सीलरेशन भी पार्टिकल का है, प्लस ये डेली अपॉन डेल्टा. अब वापिस से कहानी उल्टी करना पड़ेगी आपको कि ये पार्टिकल की एक्सीलरेशन है इन दैट वन और टू डोमेन. वन से टू पर जब पार्टिकल गया तो इतना एक्सीलरेट एक्सीलरेट किया किसने? फील्ड ने किया. मतलब जो नदी है, लेट्स से नदी है, नदी ने एक्सीलरेट किया. तो बिकॉज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड बाय दिस मच अमाउंट, दिस मच एक्सीलरेशन हैज बीन जनरेटेड बाय फील्ड ओनली, सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ फील्ड ऑल्सो. So this would be your formula for. अब गेट के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें तो भी काफी है, आपके डेरिवेशन में भी ध्यान रखेंगे. ये इतना आसान नहीं है इसको समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है. बहुत सारी चीज इसे समझते हैं. उससे पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. अंडरस्टैंडिंग अगर है इस चीज की तो ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है. I'll just brief this derivation one more time before proceeding further, ताकि आपको कोई confusion ना. So we have marked the first two loop. सबसे पहले तो हमने ये देखा कि acceleration जो होता है वो rate of change of velocity of the particle. यही हमें पता है. But हमारे पास इस subject में velocity of particle नहीं, हमारे पास velocity of all the particles, मतलब velocity of all the locations के हमारे पास. तो जो field vector है हमारे पास कोई particular location की velocity को देता है. बट वो सारी लोकेशन आप जो फील करोगे वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं, वेलोसिटीज ऑफ लोकेशन है. तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन नहीं आएगा. हमें उस वेलोसिटी फील्ड वेक्टर से पहले पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकालना पड़ेगी और फिर पार्टिकल की वेलोसिटीज के चेंज से हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज अवर अप्रोच. तो दो पॉइंट लिए हमने, पॉइंट वन और पॉइंट टू. दोनों पॉइंट की हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई करी. चूंकि हमें आइडेंटिफाई लोकेशंस और टाइम पता थे तो हम दोनों लोकेशन की वेलोसिटीज पता थी मुझे. ये दोनों पॉइंट्स अगर मैं बहुत पास पास ले लूं, मतलब जो टाइम इलैप्स हुआ है वन से टू, दो लोकेशंस के बीच का डेल्टा आर वेक्टर जो है वो बहुत छोटा कर दूं, तो ये दो नेक्स्ट पॉइंट्स की वेलोसिटीज हो जाएगी. अब अगर मैं पार्टिकल को वन पे समझूं तो वो पार्टिकल की भी और अगले क्षण पार्टिकल आने वाला है तो वो पार्टिकल टू की अगले मोमेंट की वेलोसिटी है. मतलब मेरे पास पार्टिकल की करंट मोमेंट और नेक्स्ट मोमेंट की वेलोसिटी है. तो मैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिखकर पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं. और अगर मेरे पास पार्टिकल का एक्सीलरेशन आ गया तो मैं कहूंगा कि ये एक्सीलरेशन किसने दिया? उसे ये एक्सीलरेशन फील्ड ने तो दिया, नदी में ही तो था पार्टिकल, तो नदी का ही तो एक्सीलरेशन हो. मतलब नदी ही वो एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है जो भी पार्टिकल वन से क्रॉस हो रहा है और टू पे जा रहा है. This is the constant. So you have to remember this wholesome formula. Similarly, AY आप लिख सकते हो U del U upon. इसको याद कैसे करना है पहले ये बता देता हूँ.
समझिएगा, इसको लिखना है आपको इन जनरल, पहले डेल बाय डेल टी, पहले टाइम लिख ली, फिर यू डेल बाय डेल एक्स प्लस वी डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल बाय डेल, ये हो गया आपका ए। यहाँ इस ए नहीं हुआ सॉरी, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखा जाता है कैपिटल ऑपरेटर से, कैपिटल डी ऑपरेटर, ये तरीका है मैंने दिखाने का। तो अब इसको कैसे, ये याद रहेगा आपको बस, तो आपका फॉर्मूला काम कर जाएगा यहां पर। एक्स अगर आपको निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट एक्स दैट इज डी यू बाई डी, अगर आपको ए वाई निकालना है तो इट इज डी यू बाई डी वाई, डी वी बाय, और अगर आपको ए जेड निकालना है इट इज जी डब्ल्यू बाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ए एक्स हो जाएगा आपका, अगर आप यहां पर, मैं इसे तीन बार लिख देता हूं, तो तीन बार पहले कॉपी कर लेता हूं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें आपको ये ध्यान रखना। ठीक है चलिए, तो मैं बताता हूं आपको, जैसे ए एक्स लिखना है, ए एक्स मैं यही हूं हर जगह यू यू, आपको ए वाई लिखना है तो यहाँ वी आ जाए, बी बी बी, आपको ए जेड लिखना है तो यहाँ डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस फॉर्मूलास। अब इस फॉर्मूले में कुछ और चीजें समझने की, देखिए ठीक है, एक इसको अब हम थोड़ा फिजिकली समझेंगे। तो ये टर्म क्या दिखा रही है, ये टर्म अगर तीनों टर्म को कलेक्टिवली अगर आप देखो तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं और टाइम कांस्टेंट है। अब जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है और एक्स वाई जेड वेरी करते हैं तो वो क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी नॉन यूनिफॉर्मिटी बताता है। तो दिस टर्म विल टेल यू यूनिफॉर्मिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, दिस विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो है या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब टाइम फिक्स हो गया, आप अलग अलग जगह जाकर वेलोसिटी वेरी कर रहे हो एक्स वाई जेड, और चेंज नहीं आ रहा है, मतलब डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड क्या हो जाएंगे, तीनों जीरो हो जाएंगे। तो ये कलेक्टिवली पूरी टर्म्स आपको यूनिफॉर्मिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। और इसका मतलब क्या, इस वाले इन टर्म्स का, इन टर्म्स का मतलब ये हुआ कि टाइम वेरी कर रहा है और लोकेशन फिक्स है, एक्स वाई जेड फिक्स है, क्योंकि डेल पार्शियल डेरिवेटिव ना, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहां पर एक्स वाई जेड सब कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, एक्स वाई जेड कांस्टेंट है, मतलब हम एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पर आप पर टाइम वेरी कर रहे हो। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पर्टिकुलर टाइम पर एक्स वाई जेड
स्पेस वेरी कर रहे हैं, लोकेशन वेरी कर रहे हैं, पर लोकेशन वेरी कर, लोकेशन दैट इज अ सिंपल। लोकेशन की बात कर रहे हैं मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, और हम टाइम को वेरी कर रहे हैं, तो ये स्टेडीनेस और अनस्टेडीनेस बताएगा, स्टेडी और अनस्टेडी। दूसरी बात कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लो स्टडी है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आप टाइम वेरी करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी के अंदर, ये टर्म जीरो, और अगर फ्लो यूनिफॉर्म भी है तो ये भी टर्म जीरो, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो तब होगा जब फ्लो स्टडी और यूनिफॉर्म। सिर्फ ऐसा नहीं है, नहीं तो यहां पर क्या होता था कि सिर्फ स्टडी होगा तो भी आप बोल सकते थे कि एक्सेलरेशन जीरो, बढ़िया ऐसा नहीं, कि यहां पर वेलोसिटी स्पेस और टाइम दोनों के साथ थी। इसे हम कहते हैं मतलब एक्सेलरेशन जो है वो दो कारणों से, एक तो स्टेडीनेस के अनस्टेडीनेस के कारण, सो एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन बिकॉज ऑफ अनस्टेडीनेस एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। तो जो अनस्टेडीनेस के कारण होता है उसे हम लोकल एक्सेलरेशन, लोकल वर्ड लोकल एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन की बात है, एक पर्टिकुलर लोकेशन मतलब लोकल पर्टिकुलर लोकेशन लोकल हो, यहां पर टेम्पोरल क्योंकि टेम्पोरल मतलब समथिंग डिपेंडेंट ऑन टाइम, टेम्पोरल, और इसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव। दो टर्म से मिलके बनता है आपका, एक तो हो गया आपका लोकल टर्म और एक हो गया आपका कन्वेक्टिव टर्म, कन्वेक्टिव या फिर स्पेशल, स्पेशल मीन्स वेरिंग स्पेस, या कन्वेक्टिव मीन्स द सेम। और इस डेरिवेटिव को डी बाय डी टी जो ऑपरेटर है आपका डी बाय डी टी ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल बाय डेल। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं मटेरियल या फिर सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, और इसे आप कहीं कहीं मतलब क्योंकि देखो ये क्या करता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में यही ऑपरेटर यूज करना है आपको आगे से, क्योंकि मॉलेरियन अप्रोच जब जब यूज करो तो ये बेसिकली क्या करता है स्पेस और टाइम दोनों के वेरिएशंस को काउंट करता है, देख रहे हो आप। तो आप डी रो बाय डी टी भी लिख सकते हो, आप डी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम अगर आप करते हो, तो ये कैपिटल डी मतलब ये बता रहा है कि वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो एक तो पर्टिकुलर समय पे साथ कितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है फ्लूइड के अंदर, और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहा हूं तो कितना चेंज हो रहा है, दोनों का सम टोटल है ये डी वी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एक पाइप इसका फ्लो, एक तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी बार बार किसी भी कारण से, लेट्स से मैं ये यू इंफिनिटी जो है इसको वेरी कर रहा हूं, इसको इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगी होगी, ये चेंज हो रही है। अब ये चेंज अगर आप छोड़ दो एक मिनट के लिए, अगर आप टाइम को फ्रीज कर दो और यहां के पार्टिकल और यहां के पार्टिकल को देखो, तो आपको पता चलेगा इन दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग, तो वेलोसिटी टाइम के साथ भी चेंज हो रही है और लोकेशन के साथ भी चेंज हो रही है, तो टोटल चेंज जो होगा वेलोसिटी में पूरी फील्ड के अंदर वो होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर व्हिच वी हैव टू टेक केयर। तो वॉल्यूम में भी सेम बात है, डेंसिटी में भी सेम बात है, मैकेनिकल इंजीनियर्स टेम्परेचर के लिए लिख सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर फील्ड डिफाइन करते हो तो टेम्परेचर फील्ड भी किसी तरह से। ओके एनी डाउट्स प्लीज आस्क। सो दिस वाज अबाउट एक्सेलरेशन, कल से हम डिफॉर्म कल हम डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, होपफुली डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा।
बहुत सारे फॉर्मूले में डिराइव करके दूंगा कल आपको, और डिफॉर्मेशन खत्म होने के बाद काइनेमैटिक्स खत्म हो जाएगा। आपका क्लास का टाइमिंग क्या चल रहा है अभी मॉर्निंग क्लासेस का कॉलेज में? एनीवन टेल मी। नहीं मैं कल का क्या टाइमिंग है प्रोजेक्ट का? 12:30 से 4। बाकी नोट एट दिस पॉइंट। कल वैसे तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो आपका टाइम 8 से 10 ही रहेगा। अच्छा, बट 12:30 के पहले तो नहीं होते ना? ये होते हैं आप मैकेनिकल से सदस्य हैं, दोनों का यही टाइम है। ओके ठीक है, मैं एक बार कोऑर्डिनेटर से और बात। चलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज। नोट्स नोट्स मैं एक मिनट हूँ, नोट्स मैंने कौन कौन से भेजे हैं आपको जस्ट। आपके पास एक काम करता हूं मैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। चलो मैं एक काम करता हूं, ये पूरे नोट्स भेज देता हूं आपको एक साथ, ताकि सीक्वेंस में बन जाएंगे तुम्हारे ये पूरे नोट्स। देखता हूं एक मिनट रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, मैकेनिक्स के हैं आपके पास नोट्स कि सारे भेज दूं एक साथ? पूरी नोटबुक ही प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगेगा, पूरा प्रिंट हो जाएगा। करंट नोटबुक सो टोटल देयर आर 134 पेजेस राइट। तो ये अभी तक का पूरा फ्लूइड आ जाएगा आपका, अभी तक का मैकेनिक्स और काइनेमैटिक्स का आधा पार्ट। ये सेंड कर देता हूँ, ये प्रिंट करने लगा दूंगा मैं सेशन के बाद और फिर आपको। और कुछ हो तो बताएं, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज लेट मी नो। ओके, एनी अदर स्टूडेंट वांट टू हैव एनी डिस्कशन?